रायबरेली में कृपालु इंस्टीट्यूट के खिलाफ एबीवीपी ने जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना दिया। एबीवीपी कृपालु पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट के खिलाफ अब तक कार्यवाही ना किए जाने से नाराज हैं। दरअसल पिछले दिनों दो छात्राओं ने जिलाधिकारी से इंस्टीट्यूट के खिलाफ शिकायत की थी। छात्राओं का आरोप था कि इंस्टीट्यूट ने पहले हिंदू प्रतीकों जैसे बिंदी, सिंदूर और चूड़ी पहनने पर पाबंदी लगाई थी, बाद में गर्भवती होने पर छुट्टी देने से इनकार कर दिया। छात्रा का कहना था कि इसी से क्षुब्ध होकर उसने अपना एडमिशन कैंसिल कराया था। एडमिशन कैंसिल होने के बाद इंस्टीट्यूट फीस वापस नहीं कर रहा है। वहीं दूसरी ओर छात्रा का आरोप था कि उसके साथ दुर्व्यवहार होता था, जिससे नाराज होकर उसने एडमिशन कैंसिल करा दिया, लेकिन उसका भी पैसा वापस नहीं मिला। जिलाधिकारी ने मामले की जांच के आदेश दिए थे। जांच में प्रगति ना होने की बात कहते हुए आज इस मामले को लेकर एबीवीपी ने जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर धरना देते हुए कार्यवाही की मांग की है। सब लोग नारे लगाओ यार। भारत बंद भारत बंद भारत कृपालु इंस्टीट्यूट मुर्दाबाद 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 कृपालु इंस्टीट्यूट मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ये लोग सब क्लास में बैठे थे, हमको अकेले बुला के ले गए और छोटा सा कमरा है उसी के अंदर डायरेक्टर मैडम थे और अमित सर हमारे बगल में खड़े थे। वहाँ दरवाजा बंद कर दिया गया, कह रहे जो सर इसमें जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये धरना नहीं बंद होगा। क्या नाम है? सर्वेश यादव। क्या है मामला? कृपालु इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिए थे, 10-12 दिन पढ़ने गए, उसके बाद एक दिन आपस में बुला के हमसे गाली गलौज किए और दबाव बना रहे, जो हम कहेंगे वो करना पड़ेगा। हमने मना कर दिया तो दूसरे दिन जब पढ़ने गए तो हमको क्लास से बाहर कर दिया। 3 घंटे तक नीचे ऑफिस में बैठाए रखा। उसके बाद फिर अगले दिन हम अपनी मम्मी को लेके गए तो मम्मी को धक्का देके बाहर कर दिया, कहा जो करना हो कर लो जाके। फिर हम पढ़ने गए तो हमारा नाम ही काट दिया। अभी इसके पहले भी आपने यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया है, एप्लीकेशन दिया था, क्या हुआ? कुछ नहीं, कोई आश्वासन नहीं मिला। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।